ये मेरे दादाजी हैं। तो कुछ मंथ्स पहले इनको थोड़ा सा हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगा था, तो हम लोग ने इनको बिहार पटना में प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है तो वहाँ पे हम लोग ने इनको एडमिट करवाया था। तो वहाँ पे एडमिट कराने के बाद पता चला कि जैसे इनके कोरोनरी आर्टरी में हल्की सी ब्लॉकेज है। तो पटना या बिहार के कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में मिनिमल इन्वेसिव सीएबीजी की ऑपरेशन मतलब कि नहीं होती है। तो वहाँ पे सक्सेसफुली जो डॉक्टर अभिषेक थे उन्होंने बताया कि डॉक्टर अमरनाथ बोस उस टाइम पे प्रेजेंट है। तो उन्होंने ये केस को देखा और बताया कि इसका ऑपरेशन कोलकाता के अपोलो में हो सकता है। मैं डॉक्टर अमरनाथ घोष, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता के सीनियर कार्डियक सर्जन। मैं इस पेशेंट के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये इनका उम्र करीब 80 साल है, विश्वनाथ प्रसाद नाम है इनका। तो इस उम्र में जब इनको बीमारी हुई तो मैं प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ओपीडी में बैठा था। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अभिषेक, उन्होंने मुझे बताया कि इस पेशेंट के बारे में इनको चर्चा करनी है, सलाह लेनी है। उन्होंने एंजियोग्राफी की और एंजियोग्राफी में उन्होंने ऐसी एक तरह की रुकावट देखा जिसका इलाज इस समय सबसे बढ़िया ऑपरेशन के द्वारा ही संभव था। पर ये सोचने वाली बात थी कि इस उम्र में, 80 साल की उम्र में, वो बड़े जो हार्ट का ऑपरेशन होता है, जो सामने वाले हड्डी को हमें खोल के पूरी तरह करना पड़ता है, तो ये ऑपरेशन शायद इस उम्र में विश्वनाथ बाबू नहीं ले सकते थे, संभाल नहीं सकते थे। तो हमारे पास जो दूसरा रास्ता था वो था छोटा माइक्रो ऑपरेशन, जिसे हम आजकल MICS CABG कहते हैं। इसके द्वारा 2.5 इंच के एक छोटा सा चीरा लगा के कोई भी हड्डी को ना काट के मरीज को हम लोगों ने 5 दिन के अंदर ठीक करके स्वस्थ कर दिया और अब वो वापस पटना जाने की तैयारी में। तो इसमें मैं प्रभात हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जो हैं हमारे, उनके जो मैनेजमेंट है, उनको मैं उनका सहयोग का मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्त से दिखाया और उन्होंने मरीज को गाइड किया कि किस तरह से आगे आपकी इलाज होना चाहिए और कौन सा सही इलाज रहेगा। तो कुल मिला के अपोलो और प्रभात हॉस्पिटल के सहयोग से मरीज की जो इलाज है बहुत अच्छे ढंग से हुआ है और मरीज काफी खुश होकर स्वस्थ होकर वापस आया। इनको कोलकाता ट्रांसफर करके अपोलो में इनका मिनिमल इन्वेसिव सीएजी की ऑपरेशन हो सकती है। तो हम लोग ने इनको ये थोड़े दिनों तक वहाँ पे रखा और जब थोड़ा सा कंडीशन स्टेबल हुआ तो हम लोग ने इनको रेलवे के थ्रू यहाँ कोलकाता लाया और उसी दिन अपोलो में एडमिट करवा दिया और सक्सेसफुली ऑपरेशन अच्छे से हो गया। सारी चीज़ें कि सही तरीके से हो गई, यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुआ और अभी भी कंडीशन अभी स्टेबल है। अभी डॉक्टर्स ने वो आराम करने के लिए बोला है कुछ वीक्स के लिए और बाकी सब सही चल रहा है। अपोलो में ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ दिक्कत वाली बात हुई, सारी चीज़ें अच्छे से हो गई।